सात संगत जी प्यार से कहना धन अहंकार जी, ये वर्ष जो 2020 आया, सभी हम सब परिचित हैं कि कैसे इस पैंडमिक ने जो अपना रोल निभाया है इस साल में, कि हर एक की रूटीन भी जहां एक हिल गई, एक चेंज हो गई, वहां किस प्रकार एक एक इंसान इस संसार का इससे इफ़ेक्ट भी हुआ है। तो बात वही है कि कैसे इसका इफ़ेक्ट किसी ने किस तरह लिया और किस तरह किसी और ने लिया। बात ये कि माया जो है, हमने चाहे संसार में जितनी भी बटोर ली, तो भी इस टाइम काफ़ी, ये जो लॉकडाउन का समय आया, तो ये सारी माया भी हमने देखी कि इस्तेमाल ही नहीं हो पाई। चाहे अगर एक घर बना लिए अच्छे से अच्छे, तो भी जो जहाँ था, और एक गाइडलाइंस आई कि अब ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, जहाँ हैं सब वहीं रहें, तो फिर देखा गया कि वो घर भी बने हुए आलीशान किसी काम के नहीं रहे। और अगर महंगी से महंगी गाड़ियाँ भी ली, तो भी उनको ड्राइव करके ले जाना कहीं अलाउड ही नहीं था। तो कैसे ये माया ने तो होते हुए भी अपना कोई फ़ायदा नहीं दिखाया। और युगों युगों से ही ये संतों की वाणी में भी हम श्रवण करते हैं कि माया को उस तरह इतना इम्पोर्टेंट ना बनाया जाए लाइफ में, कि एक माया ही सब कुछ है, ये मटेरियलिस्टिक वेल्थ इसी को सब कुछ ना बनाएं, क्योंकि ये माया तो एक इल्यूजन है। इसका सिर्फ वहीं तक, जहाँ तक एक आए हैं संसार में, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है परिवार की तरफ, समाज की तरफ, और अपने रोज़गार दिनचर्या के हिसाब से जितनी यूज़ है, तो ऐसे उसको सदुपयोग अगर करें तो वहीं तक ही है। नहीं तो ये माया का भी सब ये इरेलेवेंस पूरा दिखता है कि कैसे ना इसको कहेंगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल इरेलेवेंट ही है। तो कैसे संतों ने तो हमेशा एक ह्यूमन वैल्यूज़ पे ही एक फोकस रखने को कहा है एक इंसान को, कि कैसे एक प्रेम, नम्रता, करुणा, दया, आदर, इस तरह के जितने भी हम मन में अगर भाव रखते हैं, तो उसी ने ही हमारे जीवन को सुंदर बनाना है। जैसे अभी अगर कोई लॉकडाउन में भी नोटिस किया कि हम जिन घरों में तो प्यार था, वहाँ इसको एक नेगेटिव एस्पेक्ट की तरह नहीं लिया गया कि हम तो अपने परिवार के साथ लॉक हो गए हैं घर में, पर इसको इस तरह देखा गया कि कैसे इस हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि जो अपने काम काज या रूटीन में बिजी रहते थे, तो अब कैसे हम अपने परिवार वालों को और उनको समय दे पा रहे हैं, और उनके साथ एक अपना और प्यार मजबूत कर पा रहे हैं। तो कैसे इस स्थिति में भी ये देखा गया कि यही मानवीय गुण यही काम में आए। और दूसरी जगह अगर हम आगे ये देखें कि इसने हमें क्या सिखाया, जितनी हमने आपस में प्यार किया घरों में भी, तो आगे वही सेवा भाव को भी संसार के लिए भी एक पकड़ मजबूत हुई उनकी भी, कि जब पता लगता रहा कि जिसको कहीं पे भी कोई ज़रूरत है, और तो चाहे इंडिविजुअल कैपेसिटी में, चाहे कितनी संस्थाओं ने भी, निरंकारी मिशन ने भी जितना योगदान जिस रूप में दे पाए, उसको देने की कोशिश करी कि हर एक के जीवन में कोई कठिनाई अगर है, तो कैसे हमने इस लॉकडाउन की स्थिति से समझा कि एक हम इवॉल्व हुए, एक हम सिर्फ अपने बारे में नहीं, एक छोटा अपना दायरा ना करें, ये पूरा संसार ही अपना है। एक ये ब्रदरहुड वाली बात, ये वर्ल्ड विदाउट वॉल्स की बात, कि हर कोई अपना है, तो किसी की ज़रूरत में उसके मांगने से पहले उसको वो चीज़, अगर हमारे अंदर वो समर्था है कि हम दे सकें, तो वो पहुँचाई जाए। कैसे ये साबित किया इस सिचुएशन ने कि मानवता ही सच्चा धर्म है, और हम अगर इंसान हैं तो इसी धर्म को हमने अपनाना है। और कैसे ये लॉकडाउन सिर्फ
ये स्टिमुलस जो बना कि हमें एक एकजुट होकर हर एक के लिए, संसार के लिए सिर्फ प्यार देना है, एक दूसरे को अपना मानना है, तो ऐसे कोई स्टिमुलस की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि एक इंसान है तो फितरत ही हमारी हर एक से प्यार करने की होनी चाहिए। कोई भेदभाव नहीं, बस दिल से दिल तक प्यार ही करना है। तो कैसे, यही आशा, यही कामना कि हर एक के मन में, हर एक के लिए ये प्यार हमेशा रहे और कोई एक ऐसी सिचुएशन को ना आना पड़े जो इंसान को याद दिलाए कि अपने सच्चे धर्म को ही अपनाओ, कि कैसे हमने एक संसार में तो रहना है पर इससे उस तरह अटैचमेंट ऐसे नहीं, एक डिटैच्ड अटैचमेंट का भाव रखते हुए कि हमने एक सिर्फ साधनों को साधन ही समझना है, उन्हीं पर अपने जीवन को आधारित नहीं कर लेना। और कैसे इस सच्चाई की ओर जितना बढ़ेंगे उतना ही स्थिर हो जाएंगे, उतना जितना दिलों में प्यार एक बढ़ता चला जाएगा, उसी प्यार की मजबूती से ही फिर हम अपनी सच्चाई, अपनी इस संसार के साथ जहाँ एक तत्व का भाव बनाएंगे, वहीं अपना एकत्व हमारा इस परमात्मा के साथ भी बनेगा। और जितना गहरा फिर वो रिश्ता होगा उतनी ही स्थिरता आएगी। तो यही अंत में अरदास इस परमात्मा से कि हर एक के जीवन में प्यार, करुणा, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, हर एक का आदर सम्मान, ऐसे सारे गुणों को जब तक हम अपनाएंगे तब तक ही हम सच्चे मनुष्य हैं। एंड लेट्स लव नॉट बिकॉज वी हैव टू बट बिकॉज इट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। सत्संगत जी, धन्य।